हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवा भाग। इसके पहले हमने चार भाग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से उस वीडियो को देखा होगा और बेहतर तैयारी किया होगा। ओके, तो आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा भाग। जो भी छात्र बीए द्वितीय वर्ष में है और उनका सब्जेक्ट इतिहास है तो वो इस सीरीज को ज़रूर देखें। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होता है और सेकंड पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अनुपम संग्रह, यानी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जो नया कोर्स है उसके अनुसार ये क्वेश्चनों को बनाया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं आपको, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ओके, प्रश्न संख्या 201। इसके पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 201 नंबर से चलेंगे। ओके, प्रश्न संख्या है 201, कह रहा है 1832 ईस्वी की कुस्तुंतुनिया की संधि ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। चार ऑप्शन है, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान, रोमानिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनान, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1832 ईस्वी में कुस्तुंतुनिया की संधि के बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। ध्यान देना, सी आपका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात चलता है यहाँ कुस्तुंतुनिया क्या है। कुस्तुंतुनिया एक शहर है। क्या है? एक शहर है। इसकी राजधानी जो है रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुंतुनिया को ही बनाया गया था। इसकी स्थापना 328 ईसा पूर्व हुई थी। कुस्तुंतुनिया की स्थापना 328 ईसा पूर्व हुई थी। इस शहर की मुख्य विशेषता यह है कि इसका सिर्फ एक भाग यानी पश्चिमी भाग जो है सिर्फ थल से लगा हुआ है, बाकी तीन भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इस शहर की ये विशेषता है। ओके, सन 1930 ईस्वी में इसका नया नाम रख दिया गया था, तुर्कियाई इस्तांबुल रखा गया था। तो इसलिए कुस्तुंतुनिया अब नहीं लिखा जाता है, तुर्कियाई इस्तांबुल लिखा जाता है। ओके, यहाँ के उद्योग बहुत सारे उद्योग हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे चमड़ा, शास्त्र, इत्र और सोना चांदी का उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ओके, ध्यान देना, कुस्तुंतुनिया पे सोना चांदी और चमड़ा या इत्र का व्यापार बहुत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 202। वर्ल्ड पावर ऑफ डाउनफॉल की नीति में कौन विश्वास करता था। वर्ल्ड पावर ऑफ डाउनफॉल की नीति में कौन विश्वास करता था? इमैनुअल द्वितीय, विलियम द्वितीय, विक्टर तृतीय या नेपोलियन तृतीय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन तृतीय, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक नीति उस समय बनाई गई थी जिसका नाम था वर्ल्ड पावर आर डाउनफॉल। ओके, तो इस नीति पर कौन विश्वास करता था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय कौन था? नेपोलियन प्रथम का भतीजा था। कौन था? प्रथम, नेपोलियन प्रथम। नेपोलियन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध राजा था, तो उसका भतीजा था नेपोलियन तृतीय, जो वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल की नीति में विश्वास करता था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 203। निम्नलिखित में से किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधिकृत किया। चार ऑप्शन है, बेल्सोल्स की संधि, कुस्तुंतुनिया की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना की संधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा कुस्तुंतुनिया की संधि। इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी कुस्तुंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधिकृत किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 204। तुर्को क्या है? तुर्को, तुर्की एक देश था ना, वहीं से संबंधित है। तुर्को ने श्रेमो, इसको बोला जाएगा श्रेमो। ओके, तुर्कों ने श्रेमो की संधि का विरोध किसके नेतृत्व में किया। चार ऑप्शन है, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कासिम, मलिक कमाल या कमल कुतुब। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुस्तफा कमाल। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मुस्तफा कमाल, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 205, बर्लिन संधि से इंग्लैंड को कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ, बताना है बर्लिन संधि से इंग्लैंड को कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ, मेरियाना, सेंट्रल लुई, बातुम द्वीप या साइप्रस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, साइप्रस, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बर्लिन संधि से इंग्लैंड को कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ, साइप्रस द्वीप। अच्छा, बर्लिन संधि किसके मध्य हुई थी, ये रूस और तुर्की के बीच हुई थी बिस्मार्क की अध्यक्षता में, किसके बीच हुई थी, रूस और तुर्की के बीच, ये भी याद रखना है। और बर्लिन संधि कब हुई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 13 जुलाई हुई थी 1878 ईस्वी को, तो ध्यान देना है कि 13 जुलाई 1878 को बर्लिन संधि हुई थी बिस्मार्क की अध्यक्षता में रूस और तुर्की के बीच। देखेंगे अगला प्रश्न, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं क्योंकि ये यूरोप का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, और यूरोप का इतिहास थोड़ा कठिन है। ओके, फिर भी आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, आप इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये विश्वास मानिए। ओके, प्रश्न संख्या 206, 1918 में जर्मनी ने किस देश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, ऑस्ट्रिया, रूस, युगोस्लाविया, सर्बिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 207, युवा तुर्क आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, युवा तुर्क आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, चार ऑप्शन है, 1905 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1920 ईस्वी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1908 ईस्वी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं युवा तुर्क आंदोलन के विषय में थोड़ा। ओके, युवा तुर्क आंदोलन एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। ओके, क्या था, एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। राजनीति में क्या सुधार किया जा सकता है, जो कट्टरवादी नेता होते हैं उन्हीं को बदलाव होता है ना राजनीति में, तो ये एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था, और ये एक जो उस्मानिया साम्राज्य था उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना था। वहाँ राजसी प्रथा चलती थी, राजतंत्र चलता था, उसको राजतंत्र से हटा करके उसको संवैधानिक आधार पर चलाना था, इसी के कारण ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बाद, आप विश्वास करिए कि इस आंदोलन के बाद इतिहास में पहली बार तुर्क में लोकतांत्रिक शासन की पद्धति को अपनाया गया था, तो ध्यान देना ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1908 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 208, सर्बिया में विद्रोही नेता कौन था, कैनिंग, सिलेटी, काराजार्ज या कैसलरे। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काराजार्ज, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्बिया, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये एक दक्षिणी पूर्वी यूरोप का देश है ना, दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है सर्बिया, और इसकी राजधानी बेलग्रेड है। ओके, तो इसके विषय में हम जान लेते हैं काराजार्ज कौन था। देखिए काराजार्ज एक सर्बियाई क्रांतिकारी था है ना, जिन्होंने सर्बियाई विद्रोह के दौरान ऑटोमन साम्राज्य से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया था है ना, तो ये अपने देश को चाहता था कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, गुलामियों की बेड़ियों से आज़ाद हो जाए, उसके लिए इसने एक आंदोलन खड़ा किया, और उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था काराजार्ज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 209, क्रीमिया के युद्ध का काल था, मतलब किस सन में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तो इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में जो अपलोड किए थे 4-5 वीडियो, तो उसमें अच्छी तरह से क्रीमिया के युद्ध के विषय में हमने डिस्कशन किया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो इसमें भी हम आपको बताने चल रहे हैं। ओके, चार ऑप्शन है, 1854 से 1856, 1859 से 1860, 1860 से 1864, 1853 से 1856। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये युद्ध चला था 1853 से 1856, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक ये क्रीमिया का युद्ध चला था, एक काला सागर के आसपास युद्ध हुआ था ये। ओके, एक तरफ इसमें दो सेनाएं थी, एक तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, और दूसरी तरफ रूस था अकेले।
ओके तो इन सबके इन देशों के मध्य युद्ध हुआ था। इतिहास में सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध किसी को माना जाता है तो क्रीमिया के युद्ध को माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये धार्मिक विसंगतियों के कारण बेहद खून खराबा इस युद्ध में हुआ था, इसलिए इसे मूर्खतापूर्ण। भाई धर्म के कारण कोई मर कट जाएगा, धर्म के कारण किसी देश में कोई मर कट जाएगा, बेहद खून खराबा होगा, तो मूर्खता ही तो है और क्या है, तो मूर्खतापूर्ण युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान देना, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 210, सडोवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक नोट्स बनाता चलें भाई, आप लोग एक नोट्स बना लिया, वैसे तो हम पीडीएफ दे देते हैं, पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो कमेंट में बताना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे ना, तो वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो पीडीएफ आप लोग इजी तरीके से विद आंसर, यानी आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें ताकि आप अपने एग्जाम में 60 से ऊपर नंबर लाएंगे। अगर 60 से ऊपर नंबर लाएंगे ना, तभी आगे कुछ हो पाएगा। आगे कुछ हो पाने का मतलब यह है कि आप बैंक में सिलेक्शन पा सकते हैं, आप बीएड बीटीसी कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, और भी जो भी सरकारी जॉब करना चाहेंगे उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बीए में अच्छे नंबर लाना। ओके, तो आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करिए, हम आपको समझाने का सारा प्रयास कर रहे हैं। ओके, संडोवो का युद्ध किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1848 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, या फिर 1866 ईस्वी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1866 ईस्वी, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसे एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे ऑस्ट्रिया या प्रसा युद्ध भी कहा जाता है। इसे दो नाम से जाना जाता है, पहला संडोवा का युद्ध और दूसरा ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, तो ध्यान देना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 211, मित्र राष्ट्र तथा हंगरी के मध्य ट्रियानो संधि कब हुई बताना है। चार ऑप्शन है, 5 जून 1920 ईस्वी, 4 जून 1920 ईस्वी, 3 जून 1920 ईस्वी और 4 जून 1919 ईस्वी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 जून 1920 ईस्वी, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मित्र राष्ट्र तथा हंगरी के मध्य ट्रियानो की संधि कब हुई, 4 जून 1920 ईस्वी। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब चल लेते हैं, जान लेते हैं ट्रियानो की संधि है क्या। देखिए, मित्र राष्ट्र और हंगरी के बीच ट्रियानो, जानते हैं आप क्या है, फ्रांस के वर्सा में एक ट्रियानो नामक शहर है, वहीं पर इस संधि में हस्ताक्षर हुए, तो इसको ट्रियानो के संधि का नाम दे दिया गया। तो मित्र राष्ट्र और हंगरी के बीच में होती है, मित्र राष्ट्र हम कई बार बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, और फिर सुन लीजिए, मित्र राष्ट्र उसे कहते हैं जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये सब देश आपस में सहमति बना लिए थे, एक हो गए थे, इन्हीं को मित्र राष्ट्र बोला जाता है। एक धुरी राष्ट्र भी होता है, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब एक गुट बनाए हुए थे, एक अपना समूह बनाए हुए थे, इसे धुरी राष्ट्र नाम दे दिया गया। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 212, ट्रियानो संधि से किस देश का जन्म हुआ। दोस्तों, ये जितने भी संधि हैं ना, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, इस संधि में काफ़ी हस्ताक्षर हुए हैं, काफ़ी देशों का हस्ताक्षर हुआ है, और काफ़ी देश मिलकर इन संधियों का निर्माण किए हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे शर्तें रखी गई हैं, जो आपको इस वीडियो में अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम बता रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में। ओके, ट्रियानो की संधि से किस देश का जन्म हुआ, चार ऑप्शन है, प्रसा, कोस्टारिका, नवीन हंगरी या ऑस्ट्रिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवीन हंगरी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रियानो संधि से किस देश का जन्म हुआ, नवीन हंगरी। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 213, ट्रियानो संधि के द्वारा फ्यूम का बंदरगाह कब इटली को दे दिया गया। चार ऑप्शन है, 1954, 1924, 1918, 1919। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रियानो संधि के द्वारा फ्यूम का बंदरगाह कब इटली को दे दिया गया, 1924, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हम समझ लेते हैं बंदरगाह क्या होता है। तो कुछ छात्र समझ रहे होंगे, जहाँ पर बंदर ज्यादा रहते हैं उसे बंदरगाह बोला जाता है, ऐसा नहीं है। बंदरगाह, देखिए, भारत के अंदर छोटे बड़े, छोटे मोटे जो बंदरगाह हैं वो 200 से अधिक बंदरगाह हैं, और जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं, चलिए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, किसी सागर या महासागर या फिर छोटी बड़ी नदियों से जुड़ा हुआ वह ऐसा क्षेत्र
ऐसा क्षेत्र जहाँ पर छोटे बड़े नाव को खुले पानी में उतारा जाता है ना, खुले पानी में आने जाने का रास्ता मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। प्रश्न संख्या 214, पेरिस शांति सम्मेलन में श्रेवों की संधि कब संपन्न हुई? 1920, 1922, 1918, 1919। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1920। तो बी आप ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में श्रेवों की संधि कब संपन्न हुई? 1920। देखिए पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत दो संधियां हुई थी, पहला ट्रियानो की संधि और दूसरा श्रेवों की संधि। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। ओके अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 215, न्यूली की संधि कब हुई थी? देखिए बहुत सारी संधियां हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 ईस्वी में, तो इसके बाद बहुत सारी संधियां हुई थी। ओके तो उसमें से एक न्यूली की संधि भी प्रमुख है। जो हार गए थे देश और जो जीत गए थे उनके मध्य 4-5 संधियां हुई थी, और ये संधियां हुई थी कि अब आपस में आप लोग शांति बनाकर रखना है, आप लोगों को ऐसी दुर्घटना, ऐसा युद्ध, ऐसा महाविनाशकारी युद्ध अब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी संधियां होने के बावजूद भी युद्ध नहीं रुका और द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। ओके तो न्यूली की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन है, 26 नवंबर 1919, 27 नवंबर 1919, 20 जून 1918 और 24 जून 1919। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 नवंबर 1919। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 27 नवंबर 1919। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि न्यूली की संधि कब हुई थी, 27 नवंबर 1919। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 216, किस सम्मेलन में सेंट जर्मन की संधि संपन्न हुई? किस सम्मेलन में सेंट जर्मन की संधि संपन्न हुई? वियना सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, वर्साय सम्मेलन, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरिस शांति सम्मेलन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस सम्मेलन में सेंट जर्मन की संधि संपन्न हुई? पेरिस शांति सम्मेलन। कब हुआ था? 1920। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 217, 1919 में सेंट जर्मन संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा किसके साथ संपन्न की? ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, हंगरी, तुर्की। तो 1919 में सेंट जर्मन संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न की। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 218, सेंट जर्मन संधि कब संपन्न हुई? सेंट जर्मन संधि कब संपन्न हुई? चार ऑप्शन है, 20 सितंबर 1919, 10 सितंबर 1918, 10 सितंबर 1919, 20 जून 1919। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 सितंबर 1919। तो आपका जो है सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 10 सितंबर 1919। सेंट जर्मन संधि कब संपन्न हुई? 10 सितंबर 1919। ओके अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 219, किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी के विशाल और प्राचीन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया? चार ऑप्शन है, लोसान संधि, सेंट जर्मन संधि, श्रेमो संधि, वियना की संधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट जर्मन संधि। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंट जर्मन संधि के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी के विशाल और प्राचीन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। ओके पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी जो था एक बड़ा साम्राज्य के रूप में विकसित था, लेकिन जो सेंट जर्मन संधि हुई थी उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ओके तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 220, तीन बड़ी परिषद में कौन कौन से लोग शामिल थे? लायज जॉर्ज, क्लीमांसू, विल्सन, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। ये सभी क्या है कि अलग अलग देश के नेतृत्व करने वाले सेनापति हैं। ओके लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमांसू, विल्सन। विल्सन कहाँ के हैं? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुल्डोरो विल्सन, जिसका नाम था। ओके क्लीमांसू ये हमको फ्रांस के लग रहे हैं, लॉर्ड जॉर्ज ये कहाँ के हैं? ये सभी जो अगले अगले देश के हैं ये सब नेतृत्व कर रहे थे किसी संधि के लिए। तो तीन बड़ी परिषदों का गठन किया गया था उस समय। ओके तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 221, चार बड़ी परिषद से किस देश ने खुद को अलग कर लिया? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो चार बड़ी परिषद से इटली ने
खुद को अलग कर लिया। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चार बड़ी परिषद में इटली शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो भी छात्र अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिल रही है, हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया करें। आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उस पर ज़रूर शेयर कर दिया करें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, प्रश्न संख्या 222, किस देश में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ 1882 में त्रिगुट की संधि हुई? चार ऑप्शन है, टर्की, इटली, फ्रांस, हंगरी। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इटली, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस देश में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि हुई? इटली के साथ। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 223, 3 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने अपने को त्रिगुट संधि से तटस्थ होने की घोषणा की? अभी हमने बताया, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने अपने को त्रिगुट संधि से तटस्थ होने यानी अलग होने की घोषणा की? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, इटली। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इटली, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिगुट संधि से किसने अपने आप को अलग होने की घोषणा कर दी थी? इटली। ओके, तो डी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 224, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध के विषय में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अभी हम बताएंगे ये भी। ओके, तो आपको ये बताना है कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी को जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? चार ऑप्शन है, 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, 4 वर्ष 6 माह और 11 दिन, 4 वर्ष 4 माह और 12 दिन, या 3 वर्ष 3 माह और 11 दिन। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं इसके विषय में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये इसका शुरुआत हुआ था 28 जून 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को ये युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। तो लगभग कुल मिलाकर के 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये युद्ध चला था। काफ़ी विशाल का युद्ध था, विनाशकारी, प्रचंड विनाशकारी युद्ध था, जिसके अंतर्गत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे, जिसमें 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, उसमें 80 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ सैनिक बिल्कुल घायल हो चुके थे। ओके, इसमें बहुत जन धन की हानि हुई थी। लगभग आपको ये पता नहीं होगा कि 1914 के ईस्वी में 10 खरब रुपए की इसमें लागत आई थी, खर्च हुई थी, मतलब सभी देशों को मिलाकर के जो युद्ध में हानि हुई थी वो 10 खरब रुपए की थी। ओके, बाद में इसकी भरपाई के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था, हालांकि इतनी जनसंख्या थी, इतनी हानि हुई थी इस युद्ध में। ओके, ध्यान देना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 225, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में जनता का प्रतिनिधि नियम पास हुआ, जिसमें महिलाओं को किस उम्र तक मताधिकार प्रदान किया गया? चार ऑप्शन है, 18 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था, जो मताधिकार, जो चुनाव होते थे, उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, सिर्फ पुरुष वोट करते थे। कौन? पुरुष, मेल वोट करते थे, फीमेल का कोई काम नहीं था चुनाव में। लेकिन जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड ने 30 वर्ष की महिलाओं को, कितने वर्ष की, 30 वर्ष की महिलाओं को मताधिकार, यानी मताधिकार, अपना चुनाव में भाग लेने का अधिकार इनको प्रदान कर दिया। हालांकि अब 18 वर्ष से आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, वोट दे सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। ये 1918 ईस्वी से लागू की गई कि महिलाएं भी वोट देंगी, लेकिन कितने वर्ष की महिलाएं होंगी, 30 वर्ष की महिलाएं होंगी, तभी वो वोट, अपना मत प्रदान कर सकेंगी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 226, संयुक्त राष्ट्र के संविधान के किस अनुच्छेद में शांति व्यवस्था से संबंधित प्रयोगों का वर्णन किया गया है?
चार ऑप्शन है, दसवें अनुच्छेद, आठवें अनुच्छेद, बारहवें अनुच्छेद या फिर चौदहवें अनुच्छेद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दसवें अनुच्छेद, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संविधान में किस अनुच्छेद में शांति व्यवस्था से संबंधित प्रयोगों का वर्णन किया गया है? दसवें अनुच्छेद। देखिए जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, तो इसके विनाश को देख करके, इसके प्रलय को देख करके, तो सभी देशों ने मिलकर एक राष्ट्र यानी एक शांति सम्मेलन की स्थापना करने का प्रयास किया। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया, लेकिन एक प्रयास इसके बाद से ही जारी हो गया था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दसवें अनुच्छेद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 227, रोमानिया अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? चार ऑप्शन है, अगस्त 1916, मार्च 1916, जून 1915 या मार्च 1915। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अगस्त 1916, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 228, जर्मनी ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर कब अधिकार कर लिया? चार ऑप्शन है, अगस्त 1916, 6 दिसंबर 1916, मार्च 1917 या कोई नहीं। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 दिसंबर 1916, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर जर्मनी ने कब अधिकार प्राप्त कर लिया था? 6 दिसंबर 1916। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 229, इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? ये कब की बात चल रही है? जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो धीरे धीरे सभी देश आपस में शामिल हो रहे थे युद्ध करने के लिए। ओके, तो चार ऑप्शन है, 23 मई 1915, 26 मई 1915 और 20 जून 1914 और 20 मई 1915। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 मई 1915, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑस्ट्रिया ने इटली के विरुद्ध कब युद्ध की घोषणा की थी? 23 मई 1915। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 230, अमेरिका के राष्ट्रपति ने विल्सन ने कब तटस्थता की घोषणा की? विल्सन बुल्डोरो, ओके बुल्डोरो विल्सन, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने विल्सन ने कब तटस्थ की घोषणा की थी? 5 अगस्त 1915 ईस्वी, 4 अगस्त 1914, मार्च 1916, अप्रैल 1915। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 अगस्त 1914, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 231, एसेक्स नामक जहाज को फ्रांसीसी जहाज था जिससे जर्मनी ने डुबो दिया और अनेक अमेरिकी नागरिक घायल हुए, तो वो ये किस सन की बात है ये आपको बताना है। मार्च 1916, अप्रैल 1917, मार्च 1915, अप्रैल 1915। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मार्च 1916। मार्च 1916 में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एसेक्स नामक जहाज को फ्रांसीसी जहाज ने डुबो दिया था, जर्मनी ने डुबो दिया था। ओके, जर्मनी ने अपने जहाज से इसको डुबो दिया था, उसमें लगभग 153-154 अमेरिकी नागरिक भी बैठे हुए थे, तो वो मारे गए थे, तो उसी कारण अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 232, प्रथम विश्व युद्ध अंततः समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 21 नवंबर 1919, 11 नवंबर 1918, मार्च 1919, अप्रैल 1918। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 नवंबर 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 233, किसकी प्रेरणा और पहल से राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीग ऑफ नेशंस किसे कहते हैं, उत्तर हम इसको बाद में जानेंगे। ओके, लीग ऑफ नेशंस शांति का एक प्रयास है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, ये एक शांति का प्रयास है। तो चार ऑप्शन है, वाटरेंड डसेल, विल्सन, बिस्मार्क, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विल्सन, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय। ओके, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, ये एक शांति का प्रयास था। हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के इस विनाशकारी
प्रचंड विनाशकारी परिणाम को देखकर संसार के सभी देश भय से कांप गए थे। तो उन देशों ने आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि ऐसा प्रचंड और विनाशकारी युद्ध जीवन में कभी ना हो, भविष्य में कभी ना हो, इसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कोई ना कोई संस्था का निर्माण करना ही होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की अध्यक्षता में एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जो लीग ऑफ नेशन संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से प्रसिद्ध हुई। ओके, प्रश्न संख्या 234, युद्ध के बाद किस देश में मजदूरों की राज्य स्थापित हुआ? जर्मनी, इटली, रूस, तुर्की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में मजदूरों की राज्य स्थापित हुआ? रूस में। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 235, अपनी जुझारू नीतियों के कारण किसे राजनीति में शेर कहा जाता था? अपनी जुझारू नीतियों के कारण किसे राजनीति में शेर कहा जाता था? क्लामांसो, विल्सन, लैड जॉर्ज, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लामांसो। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, कि राजनीति का शेर किसे कहा जाता है? क्लामांसो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 236, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सराजेवो हत्याकांड, बाल्कन युद्ध, अगाडिर संकट, बोस्निया संकट। इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा सराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की पत्नी को जब खत्म कर दिया गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को और उसकी पत्नी को जब युद्ध खत्म कर दिया गया था, तो वहीं से युद्ध और भड़क जाता है, और युद्ध भड़क गया तो समझ लीजिए पूरा विनाशकारी प्रलय आ गया। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 237, हार्दिक समझौता किस वर्ष हुआ था? हार्दिक समझौता किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन है, 1904, 1901, 1910, 1915। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1904 ईस्वी में। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्दिक समझौता किस वर्ष हुआ था? 1904 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था ये समझ लीजिए, फ्रांस और रूस के बीच जो हार्दिक समझौता हुआ था उसे हार्दिक मैत्री भी कहा जाता है। हार्दिक मैत्री समझौता फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 238, अगाडिर क्या था? मिसाइल, गुप्तचर संस्था, मोरक्को का बंदरगाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगाडिर जो था वो मोरक्को का बंदरगाह था, मोरक्को का बंदरगाह था। बंदरगाह हम बता चुके हैं जिससे बहुत सारी विभिन्न देशों से वस्तुएं आयात और निर्यात होती है एक दूसरे देशों में पानी के जहाज़ों के माध्यम से, जहां से ये जहाज उतरते हैं पानी में उसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह। जैसे तमिलनाडु में है अपने यहाँ, है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह, जहाँ से पानी की जहाज़ें चलते हैं, स्टीमर, बड़े बड़े बोट चलते हैं जो समुद्र के नीचे से भी चलते हैं और ऊपर से भी चलते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? जिधर से जहाँ पर ये एक तरह से स्टेशन, जैसे रेलवे जहाँ खड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? स्टेशन बोला जाता है। और जहाँ पर जहाज़ खड़ा होता है क्या बोला जाता है? एयरपोर्ट बोला जाता है। हवाई जहाज़ जहाँ खड़ा होता है एयरपोर्ट बोला जाता है। उसी प्रकार से जहाँ पर पानी का जहाज़ खड़ा होता है या पानी का जहाज़ का रास्ता बना होता है उसे क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे बंदरगाह किसे कहते हैं। एक अगाडिर का बंदरगाह था जो मोरक्को का बंदर, जो मोरक्को में था, ये अगाडिर इसका नाम था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 239, राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड जिसकी हत्या हुई किस देश से था? ये 1914 की बात है जब विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी। ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड जो था इसकी हत्या 28 जून 1914 ईस्वी को हुई थी। ओके, इन्हीं की हत्या के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य युद्ध की घोषणा हो गई, शुरुआत हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो उसने शंकावश सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। तो वहीं से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे पूरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती है, भयानक युद्ध में तब्दील हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 240, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? कैसर विलियम द्वितीय, विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट, हिटलर, बिस्मार्क। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
कैसर विलियम फर्स्ट, ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? कैसर विलियम फर्स्ट, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 241, ग्रे कैसर बुट क्या था? ग्रे कैसर बुट क्या था? तीनों सम्राटों का संघ, द्विगुट, त्रिगुट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रे कैसर बुट क्या था? तीनों सम्राटों का संघ, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 242, चार्ल्स डी डवेस, जिन्होंने डवेस योजना की अगुवाई की, किस देश से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंग्लैंड, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स डी डवेस, जिन्होंने डवेस योजना की अगुवाई की थी, वो किस देश से संबंधित थे? इंग्लैंड से, ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 243, मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के मध्य वर्सा की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 28 जून 1919, 20 अगस्त 1919, 21 अक्टूबर 1919 और 19 दिसंबर 1919। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 28 जून 1919। तो मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के मध्य वर्सा की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 28 जून 1919 को, तो याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 245, वर्साय कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर वर्साय की संधि हुई थी, ये बताना है कि वर्साय कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस। वर्साय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है, यहीं पर वर्साय की संधि हुई थी, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 246, वर्साय की संधि में कितने अनुच्छेद थे? वर्साय की संधि में कितने अनुच्छेद थे? तो चार ऑप्शन है, 409, 419, 429 या 439। तो वर्षा की संधि में 439 कुल अनुच्छेद थे, तो याद रखेंगे वर्षा की संधि एक प्रकार का द्वितीय विश्व युद्ध का आगमन या निमंत्रण देना, यही संधि कहा जा सकता है इसको, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 247, वर्षा संधि में अमेरिका से किसने प्रतिनिधित्व किया? विल्सन, ओरलैंडो, बिस्मार्क, स्टालिन। तो अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे विल्सन थे, तो इन्होंने वर्षा की संधि में अमेरिका की ओर से प्रतिनिधित्व किया, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 248, किस प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड की तरफ से वर्षा की संधि में भाग लिया? विल्सन, ब्रिया, लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 249, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने हंगरी के साथ कौन सी संधि की? वर्साय, न्यूली, ट्रियानो, लोसान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रियानो संधि, ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने हंगरी के साथ कौन सी संधि की थी? ट्रियानो संधि थी, तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 250, 1913 में बुखारेस्ट की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? चार ऑप्शन है, प्रथम बालकन युद्ध, सेडोवा, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध या द्वितीय बालकन युद्ध। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय बालकन युद्ध, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1913 में बुखारेस्ट की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? द्वितीय बालकन युद्ध, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा, ओके। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।